जय राम, जय श्री श्याम, जय माता की। आप सभी जुड़ जाएं। आज एक विशेष बात आप सबसे मैं आज बताने आया हूं, और आपने डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लिया होगा, खाटू श्याम बाबा के भजन आज सारी दुनिया गा रही है। और बड़ा अच्छा लगता है जब पूरा संगीत समाज श्याम बाबा के भजनों के साथ जुड़ता है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं ही अच्छा नहीं गाता, सारी दुनिया अच्छी गाती है। और उसी में एक बड़ा सुंदर एक नाम है और बड़ा ही सुंदर एक भजन हमारे श्याम बाबा के दरबार में तमाम कलाकार गाते हैं, और मैं जैसे ही उनको बुलाऊंगा आप समझ जाएंगे वो कौन हैं और जितने अच्छे वो कलाकार हैं उतना ही अच्छा उनका हृदय है। और बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, दुनिया उन्हें बाबा भी कहती है नाम से। और जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप भोलेनाथ बाबा के भक्त भजन गाते हैं, हिमाचल से आप हैं, हिमाचल से श्याम बाबा का भी नाता है, क्योंकि हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में श्याम बाबा का शीश रखा गया था जिसने पूरा युद्ध देखा था, और हिमाचल के कुछ एरिया में शिरगुल देवता भी श्याम बाबा को कहा जाता है। तो उसके ये चलते पूरी कहानी बनी और मैंने गुजारिश की हमारे आदरणीय बड़े प्यारे भाई हंसराज रघुवंशी जी, मैं आपको मिलवाता हूं अभी और आप पहचान जाएंगे, और बहुत जल्दी इनका भजन आ रहा है श्याम बाबा के चरणों में। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया आप आए एक बार, और सारे श्याम भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, जय शंकर महाराज, खाटू श्याम जी की जय हो। हंसराज रघुवंशी जी, जय श्री श्याम, हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा, ये भी जुड़ने जा रहे हैं बाबा के भक्तों के साथ, और मैं कितना प्रसन्न हूँ इस बात से आप सोच भी नहीं सकते। बाबा आपके आने से एक नई लहर, एक अच्छा संगीत और एक अच्छा नया तरीका और एक नया अच्छा फ्लो, एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छा एंटरटेन, सब कुछ अच्छा आप कर चुके हैं। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी आपके साथ। हमको देखिए, हम प्रचार करने के लिए, आप भी उस प्रचार में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप इंटरनेशनली फेम है आज भोले बाबा के चरणों में, एक हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा नाम है आप, और आप श्याम बाबा के चरणों से जब जुड़ेंगे तो हमें भी ऐसा लगता है कि जिन पर भोलेनाथ की कृपा है उन पर श्याम बाबा तो बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आप भी व्यस्त हैं। नहीं, दो लाइन आप मेरा भोला है भंडारी थोड़ा सा आप सुना दे तो सभी बड़े खुश हो जाएंगे हमारे श्याम भक्त जी। रिक्वेस्ट है। अच्छा, थैंक यू। आइए, आप भी कहेंगे। हाँ, ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, शंकर नाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ भूतों की टोली मेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे संग भूतों की टोली मेरे नाथ रे, शंभुनाथ रे। ओ भोले बाबा जी, डर तेरे में खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। ओ भोले बाबा जी, दर पे तेरे आया जी, खाली झोली लाया जी, झोली मेरी भर दो जी। काले आसर पावाड़ा मेरा भोले बाबा, किन्नरे कैलाश तेरा डेरा वो जी। नरे 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 माना, नरे 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 माना नम्मा। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे,
भोलेनाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। ओ शंकर दास रे आ रही है बाबा के दरबार में। और थोड़ा सा मुझे, मैंने सुना भी है कितना सुंदर इन्होंने लिखा भी है और गाया भी है जो श्याम बाबा का। नहीं मैंने नहीं, वो एक्चुअली मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने लिखा हुआ है और इन्होंने गाया है। हाँ मैंने गाया है। कंपोजिशन भी उनकी है, उन्हीं की है। और रिकी गिप्टुरलो नाम है उसका। वाह जी, तो वो हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे कलाकार, मंझे हुए कलाकार हमारे श्याम बाबा के और आ रहे हैं, तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशखबरी नहीं हो सकती। तो आप सभी से निवेदन, भैया का ट्रैक बहुत जल्दी आएगा, मैं भी रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ जल्दी से जल्दी आओ। मैं भी बहुत व्याकुल हूँ सुनने के लिए। तो आप सब भी तैयार रहें। हंसराज रघुवंशी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी।